रहीम मुस्तरजी टीवी की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। यकीनन मेरे व्यूअर्स जान भी होंगे, खैर से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रेशमी कढ़ाई। इसके लिए जो से इंग्रेडिएंट्स चूज़ होंगे वो ये हैं। प्याज लिया व्यूअर्स मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज, इनको चॉप कर लिया है। नमक, गरम मसाला, हल्दी, रेड पेपर और गरम ब्लैक पेपर। मैंने इसके लिए ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, पीनट्स और ये तिल और अखरोट। व्यूअर्स इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ पैन में विदाउट ऑयल। थोड़ा सा इसमें मैंने ये सूखी मेथी ली है, इसमें क्रीम जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पत्ते और व्यूअर्स कड़ी पत्ते और ये तमाम अदरक लहसुन का पेस्ट पर गरम मसाला यूटिलाइज होगा। सो व्यूअर्स चिकन के अंदर मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मिर्च मसाले इसमें डाल देती हूँ, देन आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। व्यूअर्स मैंने तमाम मसाले चिकन के अंदर डाल दिए, दही भी डाल दिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए इसको तमाम मसाला जात को मिक्स करके रख देते हैं। फ्राई पैन में ये डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स मैं इसको विद इन 1 मिनट तक फ्राई करूँगी विदाउट ऑयल और इसको क्रीम के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। व्यूअर्स विद इन 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद ऑयली पैन में मैं इसको टेट्रा पैक क्रीम के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ, देन आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। व्यूअर्स ड्राई फ्रूट मैंने क्रीम के साथ ग्राइंड कर लिया है और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप। व्यूअर्स कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है, इसमें दालचीनी डाल दी है, प्याज डाल दिए हैं, 3 प्याज चॉप किए हुए थे, जैसे हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। व्यूअर्स मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी, पिंकिश कलर का करूँगी, बहुत डार्क ब्राउन नहीं, पिंक कलर के ये इनको पिंक कलर का करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। व्यूअर्स तकरीबन 1 मिनट में इसको और पकाऊँगी। व्यूअर्स मैंने प्याज को मिक्सी में ग्राइंड कर लिए, अ लिटल बिट मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता और दालचीनी ऑलरेडी इसमें हमने डाल दी थी। नवा टाइम जो हमने चिकन रखा हुआ था ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और जो हमने चिकन जो रखा था तमाम सारे लगा कर वो भी ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यस 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। यस 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो हमारा प्याज था तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, इसके साथ भुनाई करते हैं।
मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। व्यूअर्स तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लिड से कवर करके मैं इसको रख रही हूँ तकरीबन 5 मिनट तक। देन व्यूअर्स मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। व्यूअर्स आफ्टर 4 से 5 मिनट्स के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है और मैं इसमें ये जो क्रीम में हमने ड्राई फ्रूट ग्राइंड किए हुए हैं मैं वो डाल रही हूँ। इसमें रखान रही व्यूअर्स मैंने तमाम ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए है इंक्लूडिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम। मैंने थोड़ी सी इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ की थी, थोड़ी सी इसमें टेट्रा पैक यूज़ की है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यूटिलाइज कर लें। व्यूअर्स 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैं इसके अंदर बहुत थोड़ी सी मिकदार में कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से हिला लेती हूँ। देखो स्लो फ्लेम में मैं इसको 2 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको मैं रख रही हूँ 2 मिनट्स के लिए। मेरे आफ्टर 2 मिनट्स के बाद इसका लिड खोलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेशमी चिकन कढ़ाई प्रिपेयर है। मैं अपने व्यूअर्स को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत औसम किस्म की व्यूअर्स आप ज़रूर अपने घर में अप्लाई कीजिएगा। बहुत एनर्जेटिक, बहुत डिफरेंट टेक्स्चर इसका आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है ये इसका टेक्सचर। तो मैं अपने व्यूअर्स को डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना तैयार है। अगर आपको मेरी चिकन रेशमी कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो व्यूअर्स मसाला जी टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और इसको अपने घर में ज़रूर अप्लाई करें। मेरे व्यूअर्स जा रहे हैं, खुश रहें। मुसरत जी टीवी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।